हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो गर्मियाँ बहुत आ चुकी हैं। आई थिंक सम टाइम आपको फुल बॉडी में हो गया होगा, फेस पे हो गया होगा, हैंड पे हो गया होगा, आपके लेग्स में हो गया होगा। तो आज मैं बहुत ही अच्छा आपके लिए सम टैन का फेस पैक लेके आई हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सुगम आपकी स्किन पे ना ही मुझे गर्मी का असर दिखाई देता है या ना ही जाड़े का असर दिखाई देता है, यानी जाड़े में आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, गर्मियों में आपकी स्किन पे टैन नहीं आता है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन सा ऐसा फेस पैक लगाती हूँ जिसके थ्रू मुझे कभी भी हैंड पे टैन नहीं। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते होंगे कि आप बाहर नहीं जाते हो, क्योंकि मुझे बाहर बहुत निकलना पड़ता है, जो भी मैं वीडियोज बनाती हूँ या उसके पूरा सामान लेके आना, या प्लस घर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं ले करती हूँ, प्लस अब मेरा बेटा स्कूल जाता है उसको लेने जाना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचे कि मैं बाहर नहीं निकलती और मुझे टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे भी टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस पैक के थ्रू मैं अपना टैन को है क्योर करती रहती हूँ। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जो घर से सिर्फ निकलता है उसको टैनिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आप घर पे हो तो तब भी आपको टैनिंग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो भी आपके घर में कहीं ना कहीं से बाहर की सूरज की किरणें आती हैं और वो आपको स्किन को हार्म देती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप घर पे रहो तब भी आपको जो है सन स्किन लगा के रखना चाहिए। और आप यहाँ पे मेरा पूरे फेस पसीना देख सकते हैं, बिकॉज मुझे जो शूटिंग करनी पड़ती है, एक तो फर्स्ट फेस पे लाइट होती है बहुत ज़्यादा, सेकंड चीज ना मैं पंखा चला सकती हूँ ना ही मैं कूलर चला सकती हूँ, और मेरे इस स्टूडियो रूम में एसी अभी मैंने नहीं लगवाया है। बहुत ही जल्दी मैं आपको इस स्टूडियो रूम का टूर भी करवाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी एसी नहीं लगवाया। बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ एसी लगाऊं, इसलिए मुझे जब शूटिंग करना होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और दिखाते हैं कि मेरा सीक्रेट फेस पैक, जिसे मैं गोल्ड फेस पैक भी बोलती हूँ, अपने फेस पे लगाती हूँ। और आप इसे अगर हफ्ते में 3 दिन लगाएंगे तो आपको सन टैन नहीं होने वाला, चाहे आप धूप में जितना भी घूमो आपको बिल्कुल भी टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए हनी, एलोवेरा जेल, आप चाहें तो लीव्स का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन इस मौसम में फ्रेश लीव्स में एलोवेरा जेल नहीं मिलेगा क्योंकि वो थोड़े से मुरझा जाते हैं। पिंच ऑफ टर्मरिक चाहिए एंड रोज वाटर चाहिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 से 1.5 स्पून एलोवेरा जेल चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ। मैं यहाँ का ग्रीन लीव्स जेल ले रही हूँ, आप चाहें तो पतंजलि का भी ले सकते हैं या किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक लूँगी, नॉर्मल टर्मरिक ले रही हूँ, आप चाहें तो कस्तूरी या फिर कोई दूसरी ले सकते हैं। तो पिंच ऑफ अदरक ले सॉरी टर्मरिक मैं इसमें ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच शहद लूंगी, और लगभग 10 to 12 जो बूंद है वो मैं रोज वाटर के लूंगी। सो ये आपका जो पैक है ये रेडी है फ्रेंड्स। जिन लोगों को भी ये, और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये ऑल स्किन टाइप है। जिन लोगों को भी फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है, ये हर स्किन पे काम करेगा। या फिर गर्मी की वजह से जिन लोगों को काफ़ी टैनिंग हो गई है, या फिर जिन लोगों के जो है गर्मी की वजह से फेस पे ब्लैकनेस आ जाती है, उन सबके लिए फेस पैक है, काफ़ी अच्छा फेस पैक है। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। फेस पैक को लगाने का सबसे पहला रूल यही है कि आप अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लें या फिर रोज वाटर से क्लीन कर लें, क्योंकि कोई भी फेस पैक तभी वर्क करता है जब आपकी स्किन पूरी तरह से जो पोर्स हैं खुले हुए हों, तभी वो आपकी स्किन पे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप बाहर से आए और आपने सोचा कि मैं तुरंत उस पर फेस पैक लगा लूँ तो मुझे सनबर्न नहीं होगा या फिर डस्ट निकलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि जो डस्ट है वो और अंदर चली जाएगी आपकी स्किन के में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेस को वॉश करना है, देन आपको कोई भी फेस पैक अप्लाई करना है। और ये फेस पैक आफ्टर अगर आप कहीं से घूम के आए हैं और सन से प्रोटेक्शन चाहते हैं तो तुरंत ये फेस पैक अप्लाई करिए, टैनिंग बिल्कुल भी आपके फेस पे नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है।
उसके बाद आप चाहे तो हाथों की सहायता से या फिर ब्रश की हेल्प से इसे लगा देना है। आपको अपर पोर्शन में लगाना है, कभी भी कोई फेस पैक नीचे या ऊपर नहीं लगाना है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. जब आप कोई भी फेस पैक बनाती हैं या फिर जब आप कोई भी कलर या कुछ भी लगाती हैं तो आप उसके बाद अपना खाली बाउल क्यों दिखाती हैं। तो आज मैं इसका रीजन बताने वाली हूँ कि मैं खाली बाउल इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि जो मैं क्वांटिटी बताती हूँ वो एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है, यानी कि आपका जो फेस पैक है वो बिल्कुल बचेगा भी नहीं, या फिर आप जो कलर लगाते हैं या फिर कोई भी चीज आप अप्लाई करते हैं। तो मेरा खाली बाउल दिखाने का सबसे मेन पर्पज यही होता है कि आप उतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा, यानी कि जो आपका फेस पैक है या फिर हेयर कलर है या फिर हिना है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसीलिए खाली बाउल दिखाने का मेरा पर्पज यही है। सो इस फेस पैक को सूखने का वेट करते हैं तो 15 मिनट बाद आपका ये जो है वो बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। देन आपको इसे नॉर्मल वाटर से 15 मिनट हो चुके हैं क्योंकि ये फेस पैक में एलोवेरा जेल है तो ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होगा, ये हल्का सा गीला ही गीला रहेगा। सो आपको 15 से 20 मिनट इस फेस पैक को लगाना है, देन उसके बाद आपको इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। इसको वॉश कर लिया है देन उसके बाद आपको सॉफ्ट टॉवल से अपने फेस को सोक करना है। कभी भी फेस को बहुत रगड़ के मत पोछिए, उसको टॉवल धीरे धीरे रखिए तो सारा जो पानी है वो टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर की पिक, और आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट है, आपको तुरंत ही इसका असर दिखाई देगा। फिर ये पिक आपको ऊपर शो हो रही होगी कि पहले कैसा था इस फेस पैक को लगाने से पहले और इस फेस पैक को लगाने के बाद इसका इफेक्ट कैसा है। फ्रेंड्स, मैं इसमें टर्मरिक यूज कर रही हूँ तो आप सब जानते हैं टर्मरिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो आपके फेस में जितनी भी जैसे जब आप बाहर से घूम के आते हैं या जितना भी बैक्टीरिया या कुछ भी आपकी स्किन को हार्म पहुंचा रहा है तो टर्मरिक उसको किल करती है। देन इसके बाद मैं एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ जो आपके सेंटैन को पूरी तरह से निकालेगा, स्किन में जितनी भी पॉल्यूशन या गंदगी है उसको पूरी तरह से खींच के निकालेगा। और मैं इसमें शहद यूज कर रही हूँ तो ये आपकी स्किन में मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन पे, यानी कि जो भी काम टर्मरिक या फिर एलोवेरा जेल कर रहा था आपकी स्किन से गंदगी निकालने का काम, तो मॉइस्चराइजर हनी जो है उस को फिल करने के लिए मॉइस्चराइजर का काम करेगा। और इसमें मैं रोज वाटर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि रोज वाटर आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, जो कि धूप में या गर्मी की वजह से आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन पावर है वो कम हो गया है। सो ये सब चीज़ों का मिला के मैं फेस पैक यूज करती हूँ तो सन टैन है जो बिल्कुल भी मेरी स्किन। मैंने कहा इस फेस पैक को बनाना कितना आसान है, हर चीज आपके घर में अवेलेबल होगी, कुछ भी आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। एक चीज कोशिश करिएगा कि एलोवेरा स्टिक अगर आपको फ्रेश वाली मिल रही है, क्योंकि इस समय समर्स हैं, स्टिक्स जो भी एलोवेरा का जो पेड़ होता है वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन अगर आपके घर में फ्रेश है तो आप वो वाला लीजिए। मेरे घर में उतना फ्रेश नहीं रहता है इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं फ्रेश वाला भी ले लेती हूँ, कभी कभी मैं जब अपने मम्मी के घर जाती हूँ तो उनके यहाँ बहुत बड़ा पेड़ लगा है तो मैं वहाँ से फ्रेश स्टिक लेके आती हूँ, और वो यूज़ करिए, उससे टैनिंग और ज़्यादा जाएगी। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और आपके जो लाइक आप करते हैं उससे मुझे पैसे नहीं मिलते, जस्ट मुझे एक बहुत अच्छा सा ब्लेसिंग मिलती है और मुझे पता चलता है कि आप किस तरह के वीडियोज़ पसंद करते हैं। अगर फिर से वही बोलूँगी, चैनल अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।